मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर है। यहाँ पर बीजेपी के बंटी साहू का मुकाबला कांग्रेस के नकुल नाथ के साथ है और कमलनाथ का इसे गढ़ कहा जाता है, जिसे गिराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज को छिंदवाड़ा में उतारा है। लेकिन छिंदवाड़ा के मन में कौन है, हम जानेंगे लोकमत की टीम के साथ। आइए, लोकसभा का चुनाव है, नेता लगातार चुनावी दौरों पर हैं, लेकिन फोकस इस बार आदिवासी वोटरों पर है। इस समय हम छिंदवाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर आदिवासी वोटर मौजूद हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जो लगातार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, आदिवासी कला के जरिए आमदनी करते हैं। क्या इस बार का चुनाव जो है, क्या नजर आ रहा है आपको? आदिवासियों पर सारे नेता बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए हम ऐसा लागू करेंगे, वन अधिकार कानून लेंगे। आपका वोट डालते हैं कितने साल से हो गया? 19 साल। तो पहली बार वोट डालेंगे, तो पहली बार वोट डालेंगे, तो क्या सोच के वोट देंगे? चाहता हूँ 400 साल होना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। अच्छा, क्यों मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जो होना चाहिए? सबसे बड़ा सपना राम मंदिर होता है। आप भी पहली बार वोट डालेंगे, क्या सोच कर वोट देंगे? पढ़ाई करती होंगी आप, लेकिन ये चिंता नहीं है कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में? लोकसभा का चुनाव और खासतौर पर छिंदवाड़ा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता यहाँ के चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं? हम छिंदवाड़ा के वोटरों से जानेंगे। आप लोग छिंदवाड़ा के ही वोटर हैं? जी जी। क्या इस बार नजर आ रहा है छिंदवाड़ा में के कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस बार चुनाव में नजर आएंगे? कुछ आप लोगों की समस्याएं हो जो इस बार आप चुनाव में चाहते हो? तो कुछ नहीं रहेंगे, कमलनाथ जी का नाम ही बहुत है। कमलनाथ जी का नाम बहुत है, कमलनाथ जी ने अपने परिवार के जैसा रखा छिंदवाड़ा को, और एक परिवार के नाते हमें आज उनका सहयोग देने का समय आया है कि आज हम परिवार को साथ लेके चले। तो कमलनाथ जी ने जो विकास करे और जो कमलनाथ जी ने इस परिवार को साथ लेके चल रहा है, ये 44 साल से कोई नेता नहीं रख सकता। और कमलनाथ जी का नाम पूरे जिले में नहीं, प्रदेशों में भी नाम है कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी, लेकिन बीजेपी तो परिवारवाद को ही मुद्दा बना रही है ना? नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई मुद्दा नहीं परिवार, कोई मुद्दा नहीं। हम तो जैसे गांव से आते हैं, हम गांव के लोग हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता भी हम आम वोटर है, पर हम क्यों आए यहाँ कि कमलनाथ जी के जो व्यवहार है वो है, सबकी सुनते हैं, इसलिए आज उनसे हम मिलने आए। जो नेता बने बीजेपी तो कह रही है मोदी गारंटी इस बार छिंदवाड़ा में चलेगी, मोदी नहीं, मोदी गारंटी नहीं, क्या मोदी गारंटी है? काहे कि अभी तो पिछले चुनाव में विधानसभा में रखे थे 450 रूपए सिलेंडर, क्या हुआ? कोई मुद्दा नहीं है। क्या क्या लग रहा है, आप लोग का कौन से वर्ग आते हैं, किसान है क्या है? किसान, छोटे से किसान, गरीब है। क्या सोच रहे हैं, क्या छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? छिंदवाड़ा जैसा तो हमको, यदि अगर हमारा अनाथ हो जाएगा अगर कमलनाथ जी नहीं रहे तो, नाम चल रहा है उनके नाम से छिंदवाड़ा, उनके नाम से बेटे बच्चे बेटे जाने, लेकिन कमलनाथ नहीं, नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज ये बात एक ही है हमारे लिए, उनके नाम से वोट हम देंगे कमलनाथ जी के नाम पे। लेकिन बीजेपी तो पूरी ताकत लगा रही है, वो कह रही है 8 बार 9 बार हो गया, कुछ भी करेंगे नहीं होगा ऐसा, जनता करेगा नहीं आया, हम जनता वोटर है, वो वोटर करेगी, जनता करेगी, गरीब गुरबा हम दे, गरीब लोग आदिवासी एसटी के आदमी हम लोग नहीं, लेकिन आदिवासी वर्ग में बताते हैं कई जगह पर अभी पानी नहीं पहुँचा है, पीने का पानी कुछ नहीं है सर, पहुँच जाएगा पानी बारिश। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की चुनाव प्रचार के लिए जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम ये तस्वीरें बता दें जो छिंदवाड़ा से हैं, कमलनाथ हर एक कार्यकर्ता हर एक छिंदवाड़ा के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कोशिश इसी बात को लेकर है कि कैसे छिंदवाड़ा के जो मजबूत किला है उसको कायम रखा जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, छिंदवाड़ा में इस बार क्या होगा इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार के चुनाव को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, किस तरह के मुद्दे इस बार के चुनाव में होंगे, कितना विकास छिंदवाड़ा का हुआ है और कितना होना बाकी है, क्या सोचती है छिंदवाड़ा की जनता? इस समय हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद है, उन्हीं के साथ जानेंगे कि क्या वाकई में उन लोगों को मुद्दे नजर आते हैं।
सर आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो क्या इस बार आप लोगों को नजर आ रहा है कि क्या चुनाव में क्या नजर आ रहा है आपको, किस तरह के मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनाव में आप लोग वोट डालेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा आ रहा है। लोगों के दिमाग में सब एक ही चीज आ रही है कि कांग्रेस की ना एमपी में गवर्नमेंट है ना सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो उसमें अगर नकुलनाथ जी जीतते हैं तो छिंदवाड़ा का कुछ हो नहीं सकता, आगे संभावना भी कांग्रेस की कुछ समझ में आती नहीं। लेकिन कमलनाथ का बयान आया था कि मैं लगातार काम करता रहा हूं और अभी भी गारंटी ये दे रहा हूं कि भले सरकार कोई भी हो लेकिन काम आपके रुकेंगे नहीं। लेकिन पार्टी साथ में होना चाहिए ना, बीजेपी वालों ने चाहना चाहिए ना, तो वो चीज समझ में आती नहीं अभी। अच्छा, फिर क्या नजर आता है आपको कि जैसा आप पूछ रहे हो कि कमलनाथ जी लगातार विकास करेंगे, किसी किसान से पूछो आपकी बिगर जमीन के आप फसल लगा सकते हो क्या? बिगर जमीन के फसल लगेगी क्या? अच्छा सर, जब तक जमीन नहीं होगी फसल हो ही नहीं सकती। नकुलनाथ जी है ना, कमलनाथ जी थोड़ी खड़े, वो कैसे करा देंगे काम? नहीं, लेकिन फील्ड में तो नकुलनाथ, यूपीए की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार दिल्ली में थी, सांसद थे नकुलनाथ, तो क्या उनके रहते हुए कोई काम नहीं हुआ सांसद दे दी? जो पहले के जो अलॉटेड वर्क थे वही पूरे हो रहे हैं, बाकी नया कोई काम नहीं आया छिंदवाड़े में। लेकिन आपको और क्या लगता है, इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में नजर आ रहे हैं आप लोगों को? छिंदवाड़ा की जनता साफ है, विकास चाहती है और विकास के लिए हमें चाहिए मोदी जी का एक प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि के रूप में बंटी विवेक साहू छिंदवाड़े में है, हमारे छिंदवाड़े का लाल है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है किसी का, तो वो जीतेगा तो हमारा विकास होगा, हमारे शहर का विकास। क्या नजर आता है सर आपको और क्या होना चाहिए? गजब जो कुछ किया है 10 साल में मोदी जी ने जो कुछ किया है वो तो गजब का कर रहा है। जैसे जो जैसे उन्होंने वॉशरूम बना लिए, लेटरिन बाथरूम बना लिए, शौचालय बना, शौचालय मतलब शौचालय बना लिए, तो उसके बाद सड़कें बहुत सुंदर बन गई हैं और अब क्या चाहती है जनता, अब क्या चाहती है आप लोग, क्या चाहते हैं कि और क्या नया होना चाहिए? क्या बेरोजगारी नहीं है, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? बेरोजगारी का तो कोई जो बेकार का मुद्दा उठा के रखे हुए, लोगों ने अपना भी काम करना चाहिए, बेरोजगारी का कोई सरकारी नौकरी मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को पूरा किया जा रहा है, नई कोई योजनाएं आई नहीं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये देश का चुनाव है और मोदी जी ने जो देश में 10 साल में करके दिखाया है, उनकी विकास की नीति हो एक तरफ, चाहे आप रोड ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए, और 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है देश की, इसका असर पूरे देश में पड़ रहा है, सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं। गरीबों के लिए राशन योजना है, आवास योजना है, ये सारी योजनाएं हैं जो छिंदवाड़ा में भी मिल रही है, तो यहाँ की जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रभावित है। तो इतने साल तक कमलनाथ यहाँ पर सांसद रहे, चुनकर रहे, मुख्यमंत्री आप लोगों ने भेजा है बनकर, लेकिन अब लगता है कि वो अब कोई असर उनका नजर नहीं आता क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जब पूरे प्रदेश में उनका नेतृत्व नहीं रह गया, कांग्रेस के लोग आज पूरे भाजपा में आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के अपनी पार्टी को। तो दल बदलना आप ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानते हैं, क्योंकि समय की मांग है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला है, अब देखना ये होगा कि कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में सफल होते हैं या फिर बीजेपी की रणनीति में कमलनाथ फंसते हैं। कुल मिलाकर अब इंतजार नतीजों का करना होगा और उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि छिंदवाड़ा में राज कौन करेगा। लोकमत के लिए छिंदवाड़ा से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।